सुविधाओं को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों को मदद देने के लिए भले ही राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर विभाग के ही कर्मचारी शासन की तमाम योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। मामला जांजगीर चांपा जिले के सक्ती का बताया जाता है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के नाम पर खुलेआम मरीजों के परिजनों से पैसों की मांग की जा रही है और यह सिलसिला लंबे वक्त से चलता आ रहा है, लेकिन मजबूरी की वजह से लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र लाए हुए थे, नर्सों को डॉक्टर के द्वारा प्रसव कराने के लिए 2 से 3 हजार रुपए की डिमांड हमसे की जा रही थी और हम काफी गरीब वर्ग के लोग हैं, 2 से 3 हजार रुपए उनको कहाँ दे पाएंगे। तो लोगों को अगर ऐसी शिकायत है तो थोड़ा सा आगे आना होगा, अगर वो लिखित नहीं भी देते हैं तो भी मुझे जानकारी मिलने पर अवश्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये पूर्णतः गलत है। चलिए अगली खबर करो खबरवानी से।